हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल एडवाइज़र गुरुजी। और आज हम लोग बात करेंगे हम लोग किस तरह से मोतीलाल ओसवाल मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर हम लोग शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं। शॉर्ट सेलिंग एक काफ़ी लुक्रेटिव सेगमेंट लुक्रेटिव ट्रेड है जिसके अंदर लोगों को काफ़ी डाउट रहता है। तो आज हम मैं ट्राई करूँगा कि मैं आपको वो डाउट क्लियर करूँ। ठीक है, शॉर्ट सेलिंग मतलब कि नॉर्मल ट्रेडिंग में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग कोई भी चीज़ को बाई करते हैं और उसके बाद सेल करते हैं। जबकि शॉर्ट सेलिंग में क्या होता है कि हम लोग पहले सेल करते हैं और फिर बाई करते हैं। चीज़ दोनों सेम ही है, हमको जो बाइंग और सेलिंग का डिफरेंस को हमें प्रॉफिट करना है। ठीक है, अगर आपने कोई चीज़ 10 रुपये में बाई की है और आपने 12 रुपये में बेची तो आपको 2 रुपये का गेन हुआ। और सेम चीज़ आपने पहले 12 रुपये में बेच दी और 10 रुपये में बाई की तो भी आपको 2 रुपये का गेन हुआ। चीज़ दोनों सेम ही है, लेकिन शॉर्ट सेलिंग एक रिस्की मैटर है और उसको ऊपर पूरा ध्यान देना चाहिए। उसके अंदर किया हुआ कोई भी गलती आपको एक फाइनेंशियल लॉस या दे सकती है। तो आज मैं आपको मोबाइल एप्लीकेशन से दिखाऊंगा कि हम लोग शॉर्ट सेलिंग किस तरह कर सकते हैं। तो यहाँ पे कोर्स में जाना है और मैंने यहाँ पे सर्च किया है विप्रो। यहाँ पर मैंने क्लिक किया विप्रो। यहाँ पर मुझे कैश के अंदर ही कुछ मुझे ट्रेड करना है, वो भी शॉर्ट सेलिंग करना है कैश सेगमेंट में। यहाँ पे मैंने FNA और फ्यूचर्स नहीं क्लिक किया है, सिर्फ कैश किया है। तो ट्रेड पे जाऊँगा मैं। सबसे पहले मैं हम लोग क्या करते हैं, बाइंग में हम बाइंग के ऊपर क्लिक करते हैं। हमको ऐसा नहीं करना है, हमको आज शॉर्ट सेलिंग करना है। तो पहले हम लोग सेल के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम लोग नॉर्मल वैल्यू प्लस डिलीवरी और सेल फ्रॉम DP, यहाँ पर हमको ये दो चीज़ ध्यान रखनी है, नॉर्मल और वैल्यू प्लस। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप लोग ऑलवेज शॉर्ट सेलिंग वैल्यू प्लस में कीजिए। इसका रीज़न क्या है कि वैल्यू का सिस्टम ऑटोमेटिकली 3:20 को आपको अगर ध्यान नहीं हुआ तो भी आपको वो लोग सिस्टमली आपको स्क्वायर अप कर देंगे और आपकी सेल की हुई चीज़ सेल की हुआ स्टॉक वो लोग बाइंग कर लेंगे। नॉर्मल में क्या हुआ कि अगर आपने नॉर्मल में शॉर्ट सेल किया और अगर आप भूल गए तो वो एक पेनल्टी लगेगा और उसके ऊपर काफ़ी चार्ज लगता है। वो NSE आपको आपके शेयर्स को ऑक्शन में बेच देगा और आपको उसके अंदर लॉस हो सकता है। उससे अच्छा हमने वैल्यू प्लस में आप शॉर्ट सेलिंग कीजिए। और इसके अंदर एक ड्रॉबैक वैल्यू प्लस में ये है कि आप वैल्यू प्लस में सारे स्टॉक्स को शॉर्ट सेल नहीं कर सकते, इसलिए काफ़ी स्टॉक्स ऐसे हैं जिसको आपको नॉर्मल में ही शॉर्ट सेलिंग करना पड़ेगा। तो ये विप्रो तो हम लोग वैल्यू प्लस में शॉर्ट सेल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आज वैल्यू प्लस सिलेक्ट किया, 10 क्वान्टिटी मैंने मुझे शॉर्ट सेल करनी है। तो 181.5 पे मैं शॉर्ट सेल करूँगा। यहाँ पे मैं प्लेस ऑर्डर किया और कन्फर्म किया। यहाँ पे ऑर्डर बुक के अंदर देखिए ये दिख रहा है, मैंने सेल करने के लिए रखा हुआ है पहले, अभी वो मेरा भाव आया नहीं है इसके लिए अभी वो सेल हुआ नहीं है। जैसे ही 181.5 से ऊपर जाएगा वैसे ही मेरा स्टॉक सेल हो जाएगा। अभी यहाँ पे हम लोग वेट नहीं करेंगे, हम लोग ये इसको मॉडिफाइड करके 181.45 पे मैं बेचने के लिए रख देता हूँ। ठीक है, अभी भी वो निकल नहीं रहा है तो वापस मैं मॉडिफाइड करके मैं मार्केट यहाँ पर सेलेक्ट मार्केट करते क्या हो जाएगा, तुरंत ही मार्केट के भाव पर निकल जाएगा। ये देखिए सॉरी, उससे पहले ही वो सेल हो गया। तो अभी देखिए नेट पोजीशन में जाके यहाँ पे हमको विप्रो का दिखाई दे रहा है, 10 शेयर मैंने शॉर्ट सेल किए हैं। ठीक है, इससे पहले मैंने 5 स्टॉक्स का इंट्राडे किया था, इसके लिए मुझे वो दिखा रहा है यहाँ पे 5 प्राइस। ठीक है, आपको भी ऐसे डाउट कई बार होंगे कि आपने एक ही स्टॉक के अंदर बार बार सेलिंग बाइंग किया होगा तो वो सिस्टम उसको यहाँ पे एवरेज करके दिखा रहा है। मतलब वो 5 शेयर का बाइंग हो चुका है, लेकिन अभी क्या चल रहा है, मैंने 10 शेयर यहाँ पे मैंने सेल किए हैं और 5 शेयर ही बाई किए हैं, तो मुझे और 10 शेयर बाई करने के लिए रखे हुए हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे 10 मैंने कितने पे शॉर्ट सेल किया है, तो यहाँ पे देखिए 181.45 पे। ठीक है, तो उसको ध्यान रखिए, मुझे उसको भी बाई करना है। तो वहाँ पे मैं स्क्वायर अप पे जाऊँगा, वो सिस्टमली ऑटोमेटिकली उसको बाइंग के ऊपर आ जाएगा। समझ गया, पहले हम लोग क्या करते हैं, बाइक किया होता था तो स्क्वायर अप करके ऑटोमेटिकली सेल पे जाता था। अभी क्या हो रहा है, हमने सेल किया है ऑटोमेटिकली वो बाई पे आ रहा है। तो यहाँ पे बाइंग चल रहा है, बाइंग हमको करना है और मैं प्राइस लिख दे रहा हूँ 181.5। अभी देखा जाए तो मुझे इसको जितना मैं नीचे बाइंग करूँगा, मतलब जैसे सपोज़ कि मैंने 180 पे बाई किया तो वो जो 1.5 रुपये का प्रॉफिट मुझे मिलेगा, ये आपको मैं डेमो दिखा रहा हूँ। इसके लिए मैं आपको यहाँ पे
जो भाव चल रहा है उसके ऊपर ही मैं बाइक का दे रहा हूँ, ठीक है। 180.64 मैंने बाइक कर लिया और ये मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया। तो यहाँ पे देखिए नेट पोजीशन ज़ीरो हो गया, कोई भी क्वांटिटी पेंडिंग नहीं है, मतलब जो मैंने सेल किया था वो बाय हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे 1 रुपये का लॉस हो गया। इस तरह वैल्यू प्लस में किया हुआ शॉर्ट सेल आपको वैल्यू प्लस में ही बाई करना है, उसी तरह नॉर्मल सेगमेंट में किया हुआ शॉर्ट सेल आपको नॉर्मल में ही बाई करना है। एक गलती आप भूल के भी मत करना, आपने अगर कोई चीज़ नॉर्मल के अंदर शॉर्ट सेल की तो उसको 3.5 से पहले आपको बिना भूले उसको बाय कर ही लेना है, वो किसी भी भाव पे और वो किसी भी प्राइस पे, आपको भले ही कितना लॉस हो रहा हो। अगर आपने बाय नहीं किया तो वो पेनल्टी लगेगी आपको, उसको ऑक्शन होगा और वो जो लॉस चल रहा है उससे भी ज़्यादा आपको लॉस हो जाएगा। तो इतना ध्यान रखिएगा कि नॉर्मल में किया हुआ शॉर्ट सेलिंग आपको नॉर्मल में ही बाय करना है। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग वैल्यू प्लस का हमने यहाँ पर देख लिया, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कॉमेंट में बताइए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।